मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज हम CS201 में मैट्रिक्स इन्वर्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड से किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। और ये उसी तरह से है जैसे गॉस इलिमिनेशन मेथड था, इसमें भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं लेकिन इसमें पाइवटिंग भी अलाउ है। और इसमें सारी जैसे उसमें तो हम इलिमिनेशन के द्वारा फिर सब्स्टिट्यूट करते थे वैल्यू, इसमें हम सभी ऑपरेशंस के द्वारा ही करते हैं। तो पहली जो मैट्रिक्स है ए, इसको हम पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, फिर इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं विभिन्न शक्तियों के द्वारा कि ये तो बन जाए उसका जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। तो सबसे पहले हम जो है अर्थात ये हो गया कि ए ओवर आई है उसको हमें करना है आई ओवर ए इनवर्स। तो आई जो है पहली वाली मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसको हम इनवर्स कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, और जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी है उसको हम जो है वैल्यू मैट्रिक्स में ले आएंगे। तो जो वैल्यू मैट्रिक्स आएगी वही हमारी जो है इनवर्स कहलाएगी। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इस मेथड में हम पाइवटिंग भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, वो अलाउ है। और रो ही हर रो पर शक्तियां चलेगी और कॉलम पर नहीं चलाएंगे, कॉलम पर करते ही गलत हो जाता है, तो इसलिए रो वाइज ही सारी शक्तियां चलेंगी इसमें। तो सबसे पहले हम अब जैसे गिवन है 6 3 7 1 5 2 7 2 10, ये कोई ए मैट्रिक्स गिवन है तो इसे हमें कन्वर्ट करना है ए ओवर आई टू आई ओवर ए इनवर्स। तो इसको सबसे पहले हमने ए ओवर आई में कन्वर्ट किया तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वैल्यू यही रहेगी ए की। और फिर हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे अब जो है ये जो आएगी, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको जो है सबसे पहले इस रो को चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ये थर्ड रो को फर्स्ट बना देते हैं, फर्स्ट रो को थर्ड कर देते हैं, तो ये कहलाती है पाइवटिंग। तो आर वन इंटरचेंज टू आर थ्री, तो ये हो गया 7 3 10, ये आर थ्री रो आ गई, 1 5 2 एज इट इज रहेगी, 6 3 7 और बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही रहेगी। अब इसमें हम जो है ये करेंगे कि जैसे इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे जैसे हम गॉस इलिमिनेशन मेथड में करते थे, अर्थात रो टू में पहला एलिमेंट, रो थ्री का पहला और दूसरा एलिमेंट 6 3 0 0 हो जाएंगे और रो टू में 1 वाला ये 0 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट होगी वो जो है चेंज ऐसी रहती है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं जो है ये जो है फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसको चेंज करना है, तो 1 ओवर 7 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर वन को और इसमें जो है माइनस कर दें, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे रो टू से, तो ये जो है 0 हो जाएगा ये एलिमेंट। इसी प्रकार से 1 ओवर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से थर्ड रो में से, तो ये एलिमेंट भी माइनस हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स मिलेगी हमारे को 7 2 10 0 33 7 और 4 ओवर 7 0 9 ओवर 7 -11 ओवर 7। इसमें जो चेंजेज आएंगे वो आएंगे, पहली रो में कोई चेंज नहीं आएगा, दूसरी रो में 0 ये एलिमेंट एजिटेज रहेगा, -1 ओवर 7 हो जाएगा ये, और इसी तरह 1 0 -6 ओवर 7 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, अब ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये जो कन्वर्ट हुई इसमें जैसे 0 0 हो गया, अब हमारे को क्या करना है कि ये ट्रायंगुलर बनाने के लिए 9 ओवर 7 को और 0 करना पड़ेगा, तो हम जो रो टू पर ये संक्रिया लगाएंगे, तो रो टू पर लगाई तो ये हो गया रो वन में R1 -14/33 R2, तो ये इसको जो है इसको किया तो 14/33 जब इसको किया तो ये जो है इसमें पहली वाली रो पे लगाया तो ये भी 0 हो जाएगा ये एलिमेंट जो है, और इसमें R3 में हमने फिर लगाया R3 -3/11 R2, तो ये जो है ये जब किया तो ये दूसरा एलिमेंट इसमें जो है ये चेंज हो गया और ये जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई, 0 ये हो गया सेकंड, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और इसका पहले का ये जो है 0 करना होता है, फर्स्ट जो रो है उसका जो है दोनों ही 0 करने पड़ेंगे। अब तो इसके लिए दोनों को 0 करने के लिए हम थर्ड रो के रेस्पेक्ट में इस ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये जो है अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो सेकंड रो का
ये एलिमेंट जो है थर्ड एलिमेंट जीरो करना पड़ेगा, फर्स्ट रो का भी थर्ड एलिमेंट अब जीरो करना पड़ेगा, तो उससे उसके लिए हम जो है थर्ड रो ही अप्लाई करेंगे, थर्ड रो पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो थर्ड रो पे अप्लाई किया तो हमारा आएगा आर वन में हम क्या करेंगे, आर वन प्लस थ्री टू टू ओवर 57 आर थ्री। तो इसमें क्या हुआ, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री टू टू ओवर 33 मल्टीप्लाई बाई 19 ओवर 11, तो ये लगा दिया। तो ये ऑपरेशन लगते ही जो है इसको अपोजिट कर देते 11 ओवर 19, तो ये 11 इसमें था 11, तो 11 ओवर 19 जिससे क्या है कि जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएंगे दोनों और ये बच जाएगा, तो इसको हम सबट्रैक्ट कर दें तो ये जीरो हो जाएगा फर्स्ट रो में। तो हम इसको 11 से ये 33 कट गया थ्री टाइम्स और 19 इंटू 3 ये 57 हो गया, तो ये हमने जो है 57 लगाया 322 ओवर 57 आर 3, तो ये लगाया तो ये 0-0 हो गया। उसके रेस्पेक्ट में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो थी वो चेंज हुई तो 322 ओवर 57 माइनस 112 ओवर 57 ये जो है इस तरह कन्वर्ट कर दिया। अब इसको भी जीरो करना है, तो इसको जीरो करने के लिए हमें लगाना पड़ा कि आर टू में आर टू प्लस 44 ओवर 133 आर 3, तो ये अप्लाई किया तो ये जो है ये जीरो बन गया। अब ये हमारे पास 44 ओवर 121 ओवर 133 और माइनस 55 ओवर 133 ये आ गया। अब ये जो एलिमेंट हमारे पास आ गया इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बन गई लेकिन इसमें क्या 1-1 होना चाहिए, तो इसको डिवाइड करेंगे 1/7 से, पूरे को ही डिवाइड कर देंगे इस रो को। तो हमने 1/7 से आर वन को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 7/33 से आर टू को और 11/19 से हम जो है आर थ्री को करेंगे, इसमें जो है माइनस से ही करेंगे तो माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये जो 1-1 हो जाएगा डायगनल मैट्रिक्स बन जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ये जो है चेंज होगा। तो हमारे पास जो डायगनल मैट्रिक्स ये आ गई 100010001 और उसके अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स हमारी कन्वर्ट हो गई। तो ये जो मैट्रिक्स आई इसको हमने क्या किया, जो डायगनल मैट्रिक्स थी वो तो हो गई हमारी जो है मैट्रिक्स ए इनवर्स बन गई और जो गिवन मैट्रिक्स थी वो डायगनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई, तो वही हो गया कि ए ओवर आई इक्वल टू आई ओवर ए इनवर्स। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है जो इसमें जो आई हमारी ऑपरेशन से ये हमारी ए इनवर्स है। अब इसमें 57 कॉमन है सभी में तो हमने बाहर कर दिया 57 को, बची हुई मैट्रिक्स 46 -16 -29 -4 -11 -5 -33 9 -27 ये जो है ए इनवर्स है। तो हमने इसी मेथड से जो है गॉस जॉर्डन मेथड से इसमें विभिन्न संख्याएं लगा के इसको जो है कन्वर्ट कर दिया, लेकिन सबसे पहले हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है कन्वर्ट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद हम जो है जो नीचे की थर्ड रो आती है उससे बाकी दोनों रोज को कन्वर्ट करते हैं और इसमें डायगनल मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो ये गॉस जॉर्डन मेथड है और इससे हम इनवर्स फाइंड करते हैं। थैंक यू।